आवास पे तमाम लोग पहुंचे हैं, लगातार बधाई का जो सिलसिला है वो चल रहा है। मेरे साथ खुद मौजूद हम सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्या कहेंगे इस जिम्मेदारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं का समय समय पर उपयोग करती है उनकी योग्यता के अनुसार। और मुझे प्रसन्नता है कि मुझे प्रदेश में 3 बार अध्यक्ष का दायित्व मिला, युवा मोर्चे के उपाध्यक्ष का प्रदेश का दायित्व मिला, उसके बाद प्रभारी का मिला, पर्यटन का चेयरमैन का मिला, युवा आयोग का मिला, 11 साल महापौर का मिला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पे गुजरात का प्रभारी रहा, और 5 साल में मुझे यहाँ पर उप मुख्यमंत्री के तौर पे कई विभागों को देखने का अवसर मिला। पार्टी ने मेरा भरपूर प्रयोग किया है और पार्टी के प्रति मैं बचपन से एक बाल स्वयं सेवक के तरीके से मेरी शुरुआत हुई थी। मेरे पूज्य पिताजी का को सानिध्य प्राप्त था, मानी दीनदयाल जी, पूज्य दीनदयाल जी और अटल जी का सानिध्य मेरे पिताजी को प्राप्त था, और बाल्यकाल से ही मैं पार्टी के रीति नीति सिद्धांतों से ओतप्रोत रहा। और मुझको लगता है कि जो कोई भी जिम्मेदारी छोटी या बड़ी हो, वो एक चुनौती होती है, और चुनौती का धैर्यपूर्वक सामना करना और एक रिजल्ट देना, ये कार्यकर्ता का दायित्व होता है। मैं यही कहूँगा कि मोदी जी 3री बार प्रधानमंत्री बने, इसके लिए प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता जोर से लगेगा और मोदी जी ये रिकॉर्ड तोड़ बहुमत प्राप्त करेंगे, इतना ही मैं कह सकता हूँ। सर, अटल जी के टाइम से आप लगातार जो है संघर्षशील रहे हैं, तमाम विश्वास भी आपके ऊपर जताया गया है, तमाम चुनाव समितियाँ रहीं जिसमें आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और आपकी जो जिम्मेदारी है वो केंद्रीय नेतृत्व भी देख रहा है, ऐसे में राज्यसभा के लिए आप पहुँचेंगे तो आपको लगता है कि जिम्मेदारी और बढ़ गई? देखिए, मैं ये मेरा सौभाग्य था, अटल जी के सभी चुनाव में उनके चुनाव प्रबंधन का एक अंग रहा मैं, और चुनाव कार्यालय का जहां दायित्व रहा वहां और भी बड़े दायित्व मेरे जिम्मे अटल जी के चुनाव के संबंध में रहे। मानी राजनाथ जी रक्षा मंत्री के दोनों चुनाव का संयोजक में रहा, मानी टंडन जी के चुनाव का, मानी कलराज मिश्रा जी के चुनाव का, ये संयोजन का काम भी मुझे मिला। और ये मैंने बताया, विभिन्न दायित्वों में जो काम मिलता है उसी में लग जाते हैं, तो आज एक नया दायित्व है, और मैं समझता हूँ कि केंद्र और प्रदेश का जो नेतृत्व है उसकी जो सदकृपा है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। शुक्रिया सर। तो बिल्कुल, ये एक बड़ी जिम्मेदारी जो है, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा रहे उनको केंद्रीय नेतृत्व ने सौंपी है, उनको राज्यसभा के लिए भेजा जा रहा है, और जैसे ही नाम का ऐलान हुआ है तो आप देख सकते हैं कि दिनेश शर्मा जी के आवास पे तमाम जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं, बुके दे करके इनका स्वागत कर रहे हैं, बधाई का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर जारी है। तो आप देखिए, क्योंकि एक बार फिर जो है एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को दी गई है, उनका यही कहना है कि इसके लिए वो केंद्रीय नेतृत्व का आभार भी करते हैं, और शुरू से ही जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई है उनका यही प्रयास रहा है, उनकी यही कोशिश रही है कि उसको वो बाखूबी जो है निभा सकें। ऐसे में ये जो दायित्व उनको दिया गया है, ये जो जिम्मेदारी दी गई है, उनकी कोशिश रहेगी कि वो केंद्रीय नेतृत्व के विश्वास पे खड़ा उतरे और 3री बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी को बनाने में जो भी सहयोग हो वो करें। कैमरा पर्सन शुभम साथ, अनुप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।